और छत्तीसगढ़ सरकार श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना की शुरुआत करने जा रही है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी भी मिल चुका है। छत्तीसगढ़ जो ननिहाल कहा जाता है श्री राम का, वहां इस योजना की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार इस योजना को शुरू करने जा रही है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार 20,000 लोगों को रामलला के दर्शन करवाने के लिए अयोध्या लेकर जाएगी। पहले चरण में 55 साल से ऊपर के लोगों को ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी और इसकी जिम्मेदारी जो है वो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को सौंप दी गई है। साथ ही इस योजना को लागू करने के लिए IRCTC के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार MOU भी साइन करने वाली है। तो देखिए, अब इसकी शुरुआत होने जा रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ सरकार की श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना आखिर है क्या और इसे लोगों को किस तरीके से लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। इस योजना के तहत आपको बता दें कि हर साल 20,000 लोगों को रामलला के दर्शन इस योजना के तहत करवाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार 18 साल से 75 साल के लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे, योजना का लाभ उन्हें मिल पाएगा। पहले चरण में 55 साल से ऊपर के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि दिव्यांग लोगों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य भी यात्रा कर पाएगा। हर जिले में बनाई जाएगी राम लला दर्शन समिति और इसी के तहत योजना के तहत जो लोग हैं वो दर्शन कर पाएंगे। एक तरफ आपको बता दें जहां पर अयोध्या राम के रंग में रमी हुई है, वहीं बनारस में भी मंदिर को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। बनारस में नाविकों ने ऐलान किया है कि वो 22 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन लोगों को फ्री में गंगा नदी की सैर कराएंगे। इसके साथ ही 22 जनवरी को गंगा नदी में रामलला की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जो राजघाट से 80 घाट तक जाएगी। बैठक में हम लोग फैसला लिया गया है कि 22 जनवरी के दिन जो श्री राम जी का अयोध्या में भव्य होने वाला है और हम लोग काशी में भी 22 तारीख को अपने निषाद समाज के साथ जितने भी सैलानी हमारे काशी में आएंगे उनको फ्री सेवा में नाव यात्रा किया जाएगा, उनको पाल लगाया जाएगा और उसके बाद हम लोग 12 बजे के बाद हम लोग राजघाट से लेके निषाद राजघाट तक अपना शोभा यात्रा बाजा गाजा के साथ हम लोग निषाद समाज के लोग वहाँ पहुँच के निषाद राजघाट पर अपना वहाँ सम्मान करेंगे। देश भर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन बच्चों को जन्म देने की होड़ लग गई। मतलब देश के हजारों लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे 22 जनवरी को जन्म लें। इसके लिए कई गर्भवती महिलाओं ने डिलीवरी की डेट 22 जनवरी करने के लिए अस्पतालों में मौजूद डॉक्टरों से गुजारिश की और इसके लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में तो लंबी कतार लग गई। वहां के जिला अस्पताल में मौजूद महिलाओं ने तो डॉक्टरों के सामने ये मांग रखी कि उनके बच्चों को 22 जनवरी के दिन ही जन्म दिया जाए और वहां मौजूद डॉक्टरों ने भी उनकी इस मांग को पूरा करने का भरोसा दिया। अगर चाहेंगे तो हम जरूर उनकी इच्छा पूरी करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, इसलिए कई लोग ये चाहते हैं कि उनके यहाँ इसी दिन बच्चे जन्म लें। और बेटी होगी तो मैं उसका नाम सीता रखूंगी और बेटा होगा तो मैं उसका नाम राम रखूंगी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि वो उन्हीं महिलाओं की मांग पूरी कर पाएंगे जिनकी डिलीवरी की तारीख 20 से 25 जनवरी के बीच की है और उन्होंने ये अपील भी की कि जिन महिलाओं को इससे पहले या इसके बाद की तारीख मिली है वो 22 तारीख को बच्चे को जन्म देने की जल्दबाजी न करें। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के